हेलो एवरीवन, वेलकम टू सुविधा रसोई घर। तो आज लेके आई हूँ जितिया स्पेशल रेसिपी, यानी मड़वा आटा की रोटी, जिसे रागी आटा भी बोलते हैं। हमारे इधर इसे मड़वा का आटा बोला जाता है। और ये जितिया में जरूर से जरूर बनता है, नहाए खाए दिन इसका बहुत ही मान्यता होता है इस पर्व का एंड इस रोटी का एंड नोनी साग का। तो साग का भी मैंने वीडियो डाला, आप लोग जरूर चेकआउट कीजिए। और किस तरह से ये रोटी मैं बनाऊंगी आप लोग जरूर देखिए। रोटी एकदम सॉफ्ट बनती है एंड ये रोटी बहुत ही टेस्टी बनती है एंड सॉफ्ट भी रहती है, फुली फुली भी रहती है। इसलिए प्लीज़ आप लोग वीडियो को स्किप ना करें एंड फुल देखें। रेसिपी पसंद आई तो सबसे पहले लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। तो चलिए बनाते हैं रागी की रोटी। आटा लिया है तो आप अपनी क्वांटिटी के हिसाब से आटा लें। तो आटे को थोड़ी देर पानी में उबाल लूंगी, तो इसके लिए मैंने गैस पे बर्तन चला दिया। इसमें पानी ऐड कर रही हूँ, इसमें एक बड़ी चम्मच घी ऐड करें एंड थोड़ा सा नमक ऐड करें। इसमें घी और नमक जरूर ऐड करें, इससे मड़वा की रोटी परफेक्ट एंड बहुत ही सॉफ्ट बनती है। इसे उबाल आने तक वेट करूंगी। तो यहाँ देख सकते हैं पानी में उबाल आने लगा है, इसमें मड़वा का आटा रख दूंगी। आप आटे के हिसाब से ही पानी लें। या मैंने आटा रख दिया है और इसे मिक्स कर लूंगी। बस एक मिनट के लिए इसे इस तरीके से मिलाऊंगी। तो अब इसे मैं गैस पे से उतार दूंगी और एक बर्तन में निकाल दूंगी और आटे को अच्छे से ठंडा होने के लिए रख दूंगी। तो यहाँ पे देख सकते हैं मैंने आटे को अच्छे से ठंडा कर लिया है। इसे हाथों से इस तरीके से मिला लूंगी, इसमें पानी देने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं होती है। इसी तरीके से ये इजीली तरीके से मिल जाती है। तो यहाँ आटे को मैंने अच्छे से मिला लिया है। तो आप रोटी की साइज के अनुसार लोई ले लें। तो यहाँ मैंने रोटी के साइज के लोई काट लिया है, इसे चकले पे रख दूंगी और इसमें मड़वा का आटा लगा के पहले इस तरीके से हाथों से ताप के उसके बाद बेलन से रोटी को घुमा के हल्के हाथों से बेल लूंगी। यहाँ पे मैंने रोटी को बेल लिया है, देख सकते हैं हल्का, रोटी मोटा ही रहने दी। यहाँ पे मैंने तवा गर्म होने के लिए चढ़ा दिया था, इस पर रोटी ऐड कर दूंगी और थोड़ी देर बाद पलट दूंगी। और इसे पलट पलट के ही सेक लेना है, क्योंकि ये मड़वा के रोटी का कलर ऐसा होता है, इसलिए मीडियम फ्लेम पे अच्छे से सेक ले। तो यहाँ पे देख सकते हैं रोटी एकदम परफेक्ट फूल गई है और इसे मैं पलट पलट के सेक लूंगी। रोटी हो चुकी है तो इसे मैं अब निकाल लूंगी। इसी तरीके से मैं दूसरी रोटी भी सेकूंगी। जिस तरीके से मैं बना रही हूँ आप इस तरह से एक बार जरूर ट्राई करें, आपकी मड़वा की रोटी एकदम परफेक्ट फूलेगी। तो यहाँ पे देख सकते हैं दूसरी रोटी भी परफेक्ट फूल रही है। तो रेडी है मड़वा की रोटी।